नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सुमंत कुमार ब्लॉग में। आज के इस ब्लॉग में मैं आपको शहीद वीर कुंवर सिंह पार्क की आपको मैं विजिट कराने वाला हूं। ये पार्क काफी अट्रैक्टिव है, नेचुरल ब्यूटी से भरा हुआ है। तालाब बनी गई है और मैं इस साइड से चलकर आपको दिखाना चाहता हूँ कि तालाब कितनी अच्छी है। छोटी सी ये तालाब है पर गंदगी बहुत ज़्यादा हो चुकी है, मेंटेनेंस की ज़रूरत है। अगर इसे मेंटेन किया जाए तो अच्छे से यहाँ पे बोटिंग की जा सकती है, सैर सपाटा अच्छी हो जाएगी। पर यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल नहीं कर रहा है, साफ सुथरा नहीं कर रहा है। दोस्तों सामने की वॉल पर फोकस कीजिए, कैमरामैन नजदीक आकर साफ तरीके से लोगों को दिखाइए। चेयर पर वीर कुंवर सिंह जी बैठे हुए हैं और उनके अगल बगल उनके सेवक हैं। काला अक्षर में लिखा गया है वीर कुंवर सिंह द रिवल ऑफ आरा एंड हिज अटेंडेंट्स। Veer Kuvar Singh was a leader in the Indian Rebellion of 1857 and a key figure in the fight against the British in Bihar. हमारे ठीक सामने वीर कुंवर सिंह जी की प्रतिमा है, घोड़े पर बैठे हुए हैं, हाथ में तलवार है। वीर कुंवर सिंह जी गोरिल्ला युद्ध के माहिर योद्धा थे और ब्रिटिश साम्राज्यवाद के लिए एक बड़ी बाधा भी थे। वीर कुंवर सिंह जी की प्रतिमा के ठीक सामने आपको छोटी सी फाउंटेन देखने को मिलेगी जो मैं अभी आपको दिखाने वाला हूं। उससे पहले आप लोग दृश्य देख ले पार्क की। फाउंटेन जिसे हिंदी में फवारे कहे जाते हैं, सामने आप साफ देख सकते हैं। ये सीटिंग एरिया है पूरा, यहाँ पर बच्चे फैमिली के साथ बैठा करते हैं, ठंडी ठंडी हवा का आनंद उठाते हैं। आपको हरियाली दिख जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कृत्रिम तरीके से पहाड़ का निर्माण किया गया है, पौधे लगाए गए हैं, गमले लगे हुए हैं। अगर आप अपने परिवार के साथ आते हैं तो यहाँ पर बैठिए और नेचुरल ब्यूटी जिसे कहते हैं आप उसे यहाँ पर आनंद उठाएं। पार्क हो और बच्चों को खेलने के लिए जगह ना मिले ये तो अनफेयर हो जाएगा, इसलिए सरकार ने उनके खेलने के लिए उत्तम प्रबंध किए हैं।